कलश पढ़ते पहले और फिर कल के जो चार पॉइंट रह गए उनको लेंगे। जिन्होंने सुबह का प्रवचन नहीं सुना वो सुने जरूर, और हो सके तो 10 बार सुने। क्यों सुने? क्योंकि यदि आज का सुबह का प्रवचन नहीं समझ में आया तो आप इन्फॉर्मेटिव तो रह जाएंगे लेकिन आप फीलिंग के लेवल पे नहीं आ पाओ। फिर भी जो कन्फ्यूजन हो उसे भी दूर करने के लिए मैं एक बहुत मार्मिक बात कहूँगा अभी, क्योंकि सभी लोगों को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि ये दर्शन मोह है कि चारित्र मोह है। क्लियर तो मैंने सुबह किया है आपको, पहले भी किया है और आज फिर और एक बार और कर दूंगा आपको कि दर्शन मोह चला गया ये कैसे पता लगे और चारित्र मोह चला गया ये तो हमें पता लग जाएगा, क्योंकि चारित्र मोह जाने पर बार बार गुणस्थान हो जाता है तो चारित्र मोह के जाने का तो पता लग जाएगा, लेकिन दर्शन मोह गया है कि नहीं गया ये कैसे पता लगे। बराबर, तो बच्चों को तो सही समझ में आएगा दर्शन मोह चारित्र मोह आया कुछ नहीं। बराबर, तो थोड़ी देर आप सोच सकते हो, मैं बच्चों को सुनाऊंगा थोड़ी देर, जिनको नहीं मालूम वो सुन ले और क्या करें। चलो रेडी, अच्छा आ रहा है आपको कोई दिक्कत? पहले गाथा पाठ करें, इसका कलश पाठ। आई बड़ा सुंदर पाठ है। हे भवे शब्द है संस्कृत में विरम। विरम माने रुक जा, जैसे कोई बहुत बोल रहा है ना, बहुत बोल रहा है, बहुत बात कर रहा है, चुप। विरम 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 अपरण अकार कोला हलन किम, बिना बात के कोलाहल क्यों कर रहे हो? तो कोलाहल का मतलब है आठ बोल, यहां पर आठ बोले वो कोलाहल है। तुम क्या समझते हो मैं अरबपति आदमी हूँ? क्यों कोलाहल कर रहे? बिरम बिरम क्यों? अरबपति हूँ तो नहीं बोलना चाहिए मैं अरबपति हूँ? बोलो जल्दी बोलो, अरे बोलो ना कि प्रभु तू अरबपति बोलने के चक्कर में तू अनंत गुणों का निदान का स्वामी अनंत पति है ये भूल गया है। क्या बोला हमने? दृष्टांत देव दृष्टांत, एक लाइन क्यों छोड़ते हो आप लोग? एक लाइन भर दो पूरी। हाँ, जिनको भी आना है आ जाओ फटाफट, बेटे जल्दी आओ, पीछे गैप नहीं छोड़ो, इधर एक लाइन पूरी भरते आओ, एक के पीछे एक लाइन से बैठते जाओ फटाफट। सही में अमन पापा के पीछे जाए, जगह है उनके पीछे, जल्दी दौड़ गए, इधर आओ सब लोग, जल्दी भरो फटाफट चार लाइन, बीच में बिल्कुल गैप नहीं छोड़ना अपने को। बढ़िया, सब सेट हो गए अच्छे से, बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी मैं फिर से बोलता हूँ, क्या बोल रहा था? अरबपति है तो तुझे पता है तू आत्मा भगवान है। बोलो भैया, महावीर भगवान लखपति है, आदिनाथ भगवान करोड़पति है, सुनने में कैसा लग रहा है? बोलो बोलो, आदिनाथ भगवान एनआरआई है, तुम्हें पता है? एनआरआई
आप बोलो एनआरआई होता क्या है, कहाँ अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, कहाँ शांतिनाथ भगवान, कहाँ पारसनाथ भगवान, एनआरआई लगता कहाँ उसके आगे, करोड़पति अरबपति क्या दम क्या है। तुम्हें एक दृष्टांत देता हूँ, पता नहीं यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता, हमारे गांव में ऐसा होता है, गांव में गरीब बच्चे होते हैं, गरीब, तो वो फटाके के दिन आते हैं दीपावली पर, तो मार्केट से 50 रुपये के फटाके खरीद के लाए, अब 50 रुपये में आते कितने से, लेकिन वो लाया, तो बच्चे ही होते हैं, उन्होंने अपनी दुकान लगा ली, फुलझड़ी का पैकेट खोल लिया, 6 फुलझड़ी एक एक करके ऐसे सजा दी, 6 इस तरफ सजा दी, और वो क्या सांप की गोली आती है, सांप की गोली, तो उसमें रुई ज़्यादा होती है, गोली कम होती है तो एक एक गोली ऐसे ऐसे जमा दी, और फिर एक फटाके की लड़ लाए थे, इतने तेज फटाके की लड़, तो उसको खोल लिए और एक एक फटाका सजा दिया, अब उनकी दुकान लगी 50 रुपये की, अब पूरी दुकान लगा ली, बढ़िया से बैठ गए, बढ़िया अच्छा डब्बा वगैरह रख लिए पैसा डालने के लिए। अब उसकी सुबह सुबह 8-9 बजे करीब कोई बच्चा आया और चिटपिटी कहलाती, वो क्या बोला गोल टिकली, हाँ छोटा सा, तो एक बच्चा आया 5 पैसे ही खरीद ले गया, तो इतनी जम के बूम पड़े, मम्मी बॉनी हो गई बॉनी समझते हो मतलब मार्केटिंग स्टार्ट हो गई, जे क्या कर दी होगी इसको, समझ में तो मार्केटिंग स्टार्ट हो गई, बिजनेस स्टार्ट हो गया, मैंने बहुत खुश हुआ, फिर दिन भर माथा मारी करने के बाद उसको 5 रुपये की बिक्री हुई, कितने रुपये की बिक्री हुई, 5 रुपये की, अभी वो 5 रुपये की बिक्री हुई, इतना खुश, मम्मी तने खबर छे मम्मी बोली बेटा तो चक्रवर्ती का बेटा है, एक दृष्टांत है ना, चक्रवर्ती है, मानो चक्रवर्ती के बेटे ने ऐसा किया और खुशी मनाए तो क्या कहोगे आप, बेटा तू जवेरी नो छोकरो छे, तो समझता है जवेरी, एक डीलिंग में लाखों कमाते हैं, तू 5 रुपये के, कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूँ, 3 लोग के नाथ हो और कहाँ तुम एक कागज के नोट गिन रहे हो, करोड़ लाख अरब ढोल भगवान होकर के तू करोड़पति कहता, तेरे शर्म नहीं आती क्या, भगवान होकर के तुम अपने को दीकरी बोलते हो, दीकरा बोलो छो, शर्म नहीं आती तुमको, ऐसी बात है 1 करोड़ के रत्न को कोई कांच बोले, 100 रुपये का बोले, विदिशा में ऐसा हुआ, एक मीडियम फैमिली, उसने पहली बार गोल्ड का हार पहना, गोल्ड का हार, तो हमारी नगर सेठानी थी ना, नगर सेठानी समझते हैं, नगर सेठानी सबसे बड़ी पैसे वाली, तो वो मंदिर में आई तो उसने पहली बार उसके गले में हार देखा, थोड़ा अच्छा लग रहा था, नया नया था ना, अच्छा लग रहा था, तो वो ऐसे बोली क्यों बेंटेक्स का है, क्योंकि नगर सेठानी को तो ऐसा लगता है सोना तो मैं ही पहन सकती हूँ बाकी ये मिडिल क्लास तो इतना बड़ा हार पहना तो जरूर अब कल्पना करो कोई बेंटेक्स का कहे तो उस पर क्या गुजरती होगी, ऐसे हम फिर से कह रहे तुम 3 लोग के नाथ हो, बिरम 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 बोलो मत, मैं सुंदरी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं मिस्टर बॉय हूँ, क्या कहलाते मिस्टर कॉलेज, मिस्टर बम्बई, मिस यूनिवर्स, सुन तू भगवान है, अब तो समझ में आ गई चर्चा, समकित समझ में आई बात, मतलब तुम अपने को करोड़पति अरबपति मत बोलना, क्योंकि उसे बोलने के चक्कर में भगवान का अनादर होता है, अपने परमेश्वर का अनादर होता है, और खराब भाषा में बोलूँगी अच्छी भाषा में बोलूँ, तू अपने केवल ज्ञान को किक आउट करता है, किक आउट समझते हो, डिसऑनर करते हो, किक आउट करते हो, आपको भगवान ना, अब मैं एक बात बताऊँ, विश्व में सबसे अच्छा संबोधन है तुम्हें परमात्मा छो, तुम्हें भगवान छो, और तुम अपने भगवान बने को भूल गए, तुम कहाँ माथा मार रहे हो, इसका नाम है विरम, मूल संस्कृत में लिखा है विरम किम परेण अपरेण अकार्य 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 मैंने बिना बात कोलाहलेन किम,
क्यों कोलाहल कर रहे हो? 5 रुपए की बिक्री हो गई, क्यों कोलाहल कर रहे हो? बेटा तुम्हारे पापा एक फोन पर 1,00,000 रुपए कमाते हैं, एक फोन पर 1,00,000,000 कमाते हैं, तो क्यों कोलाहल कर रहे हैं? समझ गए कोलाहल? 8 प्रकार के विकल्प यदि तुम्हें आते हों तो तुम्हारा कोलाहल है। कोलाहल पॉइंट फिर से सुनो, कोलाहल। अब दर्शन मोह की बात करता हूँ। 8 प्रकार के विकल्पों को तुझे मोटप आती है और भगवान की मोटप नहीं आती, इसका मतलब दर्शन मोह है। पॉइंट नोट किया जाए, 8 विकल्प मिट जाए ये नहीं बोल रहे हम। 8 प्रकार की प्रवृत्ति मिट जाए तो फिर यथा ख्या चारित हो जाए, तो चारित मोह चला जाए। पॉइंट पकड़ में आए, दर्शन मोह और चारित मोह। लेकिन 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 तुझे वो विकल्प पूर्ति करने के लिए तू भगवान पना छोड़ने तैयार है, इसका वाला दर्शन मोह है। फिर से बोलता हूँ, निचली भूमिका में व्यापार होता है, करता है, नहीं कह रहा हूँ। पॉइंट अंतर समझ में आया? अंतर करता है कि होता है? होता है। सम्यक दृष्टि को निचली भूमिका में विवाह होता है, सम्यक दृष्टि कभी विवाह करता नहीं। सूक्ष्म बात फिर से पकड़ो, समझा से कैसे? हमने तो देखा है नेमिनाथ भगवान सज धज के चले जा रहे थे। करता है कि होता है? तो मैं एक दृष्टांत ही देता हूँ समझने के लिए। सम्यक दृष्टि कभी भी लौकिक प्रवृत्ति करता नहीं, होती तो है। बेटे इस पे नहीं बैठना है ना, इस चटाई पे नहीं बैठना, पुरुषों की चटाई पर नहीं। एक्चुअली बड़ी गड़बड़ ये है कि पहले ही इस हाउसफुल हो जाता है, इधर खाउल नहीं छोड़ देते। भैया एक रिक्वेस्ट करो, इस तरफ से लेडीज आए, इस तरफ से जेंट्स आए, तो उधर से जाना होगा ना, तो वो बहुत अच्छा होगा, इस साइड भर जाएगा अपने को, यदि हो सके तो देख लेना। बराबर है? फिर से बोलता हूँ, मैं एक आध दृष्टांत देता हूँ आपको, एक आध नहीं लाखों दृष्टांत आप बना लोगे, समझना। आज हमें लगता है ना पैसे में सुख है, पैसे में सुख है, तो उसके लिए हम सब, बच्चा सुबह 6:30 बजे स्कूल जाए ना, तो अभी हम वहाँ ऑब्जेक्शन नहीं करते कि साहब क्या करें, 6 बजे जगा कर जल्दी जल्दी नहला करके, सूरज भी नहीं निकल पा रहा, तो अभी बच्चे को उठा करके बिल्कुल, आपने देखा 90% बच्चे सुबह सुबह वैसे तो 100 ही होगा मेरे ख्याल से, तो क्योंकि बच्चों की इतनी जल्दी नींद पूरी होती नहीं है, लेकिन बच्चों को मैंने देखा है, जब भी बसें निकलती हैं ना, बसें आप देखो, बच्चे एकदम मूर्ति बने सो जाती हैं आराम से, बाकी बच्चे क्लास रूम में सोते हैं। नहीं सोते, गलत कह रहा हूँ? देखो सब बच्चे कह सोते कि नहीं सोते क्लास रूम में, देखो सब बच्चे कह रहे हैं। लेकिन आज तक हमने कंप्लेन नहीं की कि बच्चों की हेल्थ गलत खराब हो रही है। अभी ये बच्चा एक आया है यहाँ पर, अभी भजन सुना रहा है, इसने बताया कि वो एशिया की 3रा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज काई की अहमदाबाद में ये पढ़ रहा है, आर्किटेक्ट ऐसे कुछ, बोले 24 आवर कहो, रात को 2 बजे वो आ जाए कि आपको वो भेजना है, क्या करना पड़ता है वो, यानी क्या करना पड़ता है, असाइनमेंट, और रात को 2 बजे मैसेज आएगा कि इस विषय पर असाइनमेंट तैयार करिए, सुबह 8 बजे जमा करिए। जैसे देह मिला मिला के धे मिला मिला के मतलब जी कौन सी बात हुई, मैंने बच्चा रात को सोए कि जगता रहे, मोबाइल देखता रहे, और रात को 2 बजे असाइनमेंट है, 8 बजे जमा करना है, मैंने बच्चा 24 घंटा बिजी। लेकिन मैं बताऊं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, बच्चे की हेल्थ खराब हो तो हो जाए, 24 घंटे की पढ़ाई, हर 6 दिन में एक लड़का सुसाइड करता है कोटा में, IIM अहमदाबाद में साल भर में हर महीना में एक स्टूडेंट केवल MBA का विद्यार्थी वो सुसाइड कर लेता है, कानपुर में सुसाइड कर लेते हैं, रुड़की में कर लेते हैं, लेकिन एक भी मम्मी पापा को इसका दर्द नहीं होता कि हमारा बच्चा सुसाइड कर रहा है। क्यों बेटा? एक बार तू निचोड़ जा, निचोड़ जाना समझते हो? एनी हाउ स्ट्रेस झेल, पढ़ ले बेटा, लेकिन फिर हम कहलाएंगे मम्मी पापा ऑफ NRI। मैंने दर्शन क्यों दिया? हम देव दर्शन से एडजस्ट कर सकते हैं,
शास्त्र नहीं सुनता बच्चा जिंदगी भर हमें ये एडजस्ट है हमारा बच्चा, फिर हम बाद में रोते बैठ करके हमारा बच्चा नहीं मान रहा है, आउट ऑफ जा रहा है, बर्गर खाता है, अंडा खाता है, इंटर कास्ट मैरिज करता है, लड़की भाग रही है, लड़की बिल्कुल मानने तैयार नहीं, रो बिल्कुल रो। आप अपने अपने आप को चीट कर रहे हो, दोष किसी का नहीं है। मैं तो ये इसलिए इतना एग्जांपल दिया कि 12 घंटे की पढ़ाई हो तो अभी कोई को कंप्लेंट नहीं लगती, फिर 12 घंटे की कमाई बुरी नहीं लगती, फिर 24 घंटे की दवाई बुरी नहीं लगती, नहीं समझ आया कुछ? 25 साल पढ़ाई, 25 साल कमाई, 25 साल दवाई, ये 24 आवर लेनी पड़ती है। इतने प्यारे प्यारे बच्चे मिलते हैं छोटी छोटी उम्र के, कोई नाश्ता करना, समझ गए नहीं समझ गए? इंसुलिन 50-60 की उम्र तो बहुत बड़ी बात है, छोटी उम्र के लोग नाश्ता बाद में करते हैं, फिर वो डब्बियाँ खोलेंगे 3-4 प्रकार की दवाइयाँ। बोलो मैंने क्या काय का इशारा किया कि भाई जे है दर्शन मोह, व्यापार करना दर्शन मोह नहीं है, शादी करना दर्शन मोह नहीं है, और जो जो है ना ये दर्शन मोह नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कर्म का उदय है, सम्यक दृष्टि को भी कर्म का उदय, इसलिए शादी होती है। अंदर से तो वो जानता है पत्र में सुख नहीं है, अंतर में तो जानता है पत्नी में सुख नहीं है, बच्चों में सुख नहीं है, व्यापार में सुख नहीं है, ये उसे 100% कन्फर्म है दिमाग में, सम्यक दृष्टि है वो, लेकिन कर्म का उदय है। इसलिए ज्ञानी भी प्रवर्तते हैं। अब समझ गए अर्थ, काय का अर्थ समझ गए कि ज्ञानी शादी नहीं करता, ज्ञानी की शादी होती है, और अज्ञानी की शादी होती भी है और करता हुआ मानता भी है, ये दर्शन मोह हो गया। नहीं समझ में आया? एक एक बात कॉमन क्या हो गई दोनों में, कि दोनों की शादी होती है, दोनों की शादी होती है, क्यों? दोनों की शादी कर्मोदय से होती है, पढ़ाई लिखाई कमाई लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी होता है वो दोनों का कर्मोदय से होता है, होता कर्मोदय से। अज्ञानी को ये खबर नहीं तो कर्ता मानता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। मैंने कितना बढ़िया प्रवचन किया, देखो देखा कितना बढ़िया प्रवचन, ये दर्शन मोह है, सुना? ये प्रवचन होना था, इतने लोगों को मिलना था, इतने का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मैं नहीं भी चाहूँ ना तो होना है, मैं कोई तैयारी करके नहीं आता हूँ तो भी होता है, और बहुत तैयारी करके आता हूँ तो उस दिन उतना अच्छा नहीं भी होता है। मैं समझ गया कि ये सब कर्मोदय का गेम है, हमारा कुछ नहीं है। अब आप समझ में आए कुछ दर्शन मोनी और चारक मोनी का अंतर? बराबर समझ में आ रही बात? तो ज्ञानी शादी करता नहीं है, उसके शादी होती है, अज्ञानी के भी शादी होती है, व्यापार धंधा होता है, सब लगा ले, जो लड़ाई झगड़ा होता है, गुणस्थान प्रमाण मंदिर बनाता है, सब काम करता है, जो कुछ होता है, लेकिन ज्ञानी को खबर है, इसलिए उसको ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात सुनना, धर्म के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। ज्ञानी कहता नहीं, हम अपनी मर्यादा छोड़ करके धर्म का काम भी नहीं करेंगे। क्या बोला हमने? हम अपनी मर्यादा छोड़कर धर्म का काम भी नहीं करेंगे, अर्थात सट आवश्यक प्रभावित करके स्वभाव की दृष्टि छोड़कर हम धर्म का भी काम नहीं करेंगे, हम अपने को पहले नंबर रखेंगे। जिसको स्वामी जी कहते थे ज्ञायक ने सदा ऊर्ध राग से, ज्ञायक ने सदा ऊर्ध, ऊर्ध माने प्रायोरिटी, हाँ ऐसे रखना। अब तुम क्या करते हो बोलो? वो क्या होता है पंडित जी, तो आत्मा का तो विचार करने की फुर्सत ही नहीं मिलती, मैं उसी में लग गया। एक व्यक्ति तो मैंने कम ही घटनाएं ऐसी, वैसे हिंदुस्तान में 2-4 घटनाएं मेरे ज्ञान में होंगी, ज़्यादा नहीं है, लगभग जैन समाज बढ़िया है, लेकिन फिर भी 2-4 घटना है। अरे भगवान के नाम पर जगह घेर लो मैंने एनक्रॉच, अपन मन भगवान रख दो, मूर्ति रख दो, फला कर दो, जैसे अन्य लोग कर लेते हैं, जगह घेर लो, फिर दंगा फसाद होगा, फिर अपने मंदिर बना लिया अपना, नहीं, इट इज रॉन्ग। भगवान का कोई भी काम नंबर 2 का नहीं होना चाहिए, भगवान का कोई भी काम क्या कहना चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो भैया इनका क्या कहला था, पंच कल्याण इनके शिविर में लाइट फोकट की जल गई, नहीं, एक पैसे का काम चोरी का नहीं होना चाहिए,
ये सम्यक दृष्टि सोच सकता है। मिथ्या दृष्टि तो कहीं 1 लाख बचेगा, 10 हजार दे देंगे, 5 हजार दे दो बाबूजी को, खुश कर दो बाबूजी को, लाइनमैन को दे दो। तू ऐसे ही मटकते रहे ना, फिर त्रिवेंश गति में जाना। तू दर्शन मोह समझ में आ गया? दर्शन मोह ज्ञानी धर्म का काम भी मर्यादा छोड़कर नहीं करता, और अज्ञानी दोनों ही जगह अपनी मर्यादा छोड़ा है। चलो अब तो आगे चलो। बिनम अपरिण अकार्य 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 मैंने बिना बात कोलाहल किम, कोलाहल क्यों करते हो? काय का कोलाहल? कोलाहल का मतलब थोड़ी नैसर्गिक भाषा बोलू, नैसर्गिक भाषा। ऐसा नहीं कि आप बोलते हो, जब आप शांत अकेले में बैठते हो ना, कोलाहल परेशान करता है। आप देखते हो दिमाग में घूमती रहती है मिक्सी, हूं करीस हूं करीस। आप गुरुदेव का बोले जरा, हूं करूं हूं करूं एज अज्ञानता सकट नो भार जेम स्वानतानी। समझ आई बच्चों? नहीं समझ आया? इन लोगों को देखे तो समझाने की इच्छा होती है। सकट सकट समझते नहीं? अब देखो इनको गुजराती भी नहीं बची, अभी ने सकट ही नहीं सुनी होगी। भार क्या होता है? भार ये भी नहीं सुना होगा। सकट नो भार जेम, जेम तो सुना होगा नहीं? अरे हाल तो बोलो, इतना तो सुना होगा जेम। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है और कुत्ते को ऐसा लगता है ओ मैं चला रहा हूँ, ऐसा लगता है। अपने को भी ऐसे ही लगता है। इस समय देखो सारी दुनिया इतने लोगों को मैं चला रहा हूँ, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, इसलिए लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग इसलिए आ रहे हैं, लोग इसलिए बैठ रहे हैं। ये है कुत्ता। मैंने कुत्ते ऐसी सोच, सकट नो बाहर, दुनिया का बाहर, घर का बाहर कौन उठाता है? अरे बोलो कौन उठाता है? ये स्ट्रेस, मुझे बहुत पढ़ना है, बहुत कमाना है, घर का भार उठाना है। पहले तू डॉग जैसा, अरे घर का भार तू नहीं उठाता है, कर्म का उदय कर रहा है। इतना देर खबर पड़ जाए ना तो अब कभी स्ट्रेस नहीं हो सकता। पढ़ाई तुम्हें नहीं करनी है, पढ़ाई होनी है, स्ट्रेस नहीं उठाना। शादी तुम्हें नहीं करनी है, होए तो हो जाए, कई बार और नहीं भी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे मेंबर हैं, उनकी शादी नहीं हुई तो करी नहीं, ऐसा थोड़ी करना तो चाहते थे लेकिन नहीं हुई। तो पंडित जी आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ नहीं कह रहा, नहीं हुई मैंने, नहीं हुई तो कर्म के उदय में नहीं हुई। तो होना और नहीं होना ये मायने नहीं रखता है। तू करता मानता है ये मिथ्यात है, और अकर्ता मानता है ये दर्शन मोह का अभाव है। ये त्यौहार समझ में आ गई आप सबको? अभी आगे चल चलो। कोलाहल समझ में आ गया आपको? अकेले में बैठने पर भी जो कोलाहल है, कौन सा कोलाहल है? कल्पना करो, अब देखो मैं सुनाता हूँ। कोलाहल सुनना है आपको? सुनना है बोलो। आप सोचो, थोड़ी भाषा खराब हो, डरना नहीं, डरना नहीं मतलब इसे देखोगे तो डरे हुए थोड़ा सा। सुनो आज आपकी अंतिम रात है। हाँ सोचो आज आपकी अंतिम रात है, सही में सोचो, आ इमेज करो अंतिम रात है। अंतिम रात तो पैसा लेना बाकी है। अरे तो भले आदमी तू मरेगा तो भी पैसा लेने से कोई मतलब नहीं। और नहीं ले पाएगा तो भी कोई मतलब नहीं। लेकिन नहीं, एकदम कोलाहल हुआ, कोलाहल, पैसा लेना बाकी है, उनको इतना देना बाकी है, इसको बेटा जल्दी आ, ये संभाल, ऐसे कर वैसे, क्या मिलने वाला है जी? एक कोलाहल। पंडित जी अभी आपने देखा, अभी आप मरने वाले नहीं हो, अंतिम दिन नहीं है, अंतिम रात नहीं है, लेकिन लोग ऐसे टेंशन में मिलते हैं। पंडित जी एक ही छोकरा है, क्या होगा, इतना व्यापार किया, इतना कमाया, इतना इसको संभालने की अक्कल नहीं, क्या होगा, सारी जिंदगी माला फेरते फेरते मर जाता है। लेकिन भाई उसका उदय प्रमाण जितना होगा उतना होगा, तू टेंशन क्यों ले रहा है? मेरे पिताजी भी मेरी लेकर मुझे लेके बहुत टेंशन करते थे, क्योंकि हर पिताजी को बेटे को लेके टेंशन ना हो तो पिताजी का आएगी।
माने बिल्कुल हमेशा मुझे वो तकिया कलाम सुना देते, बेटा जिस दिन हम नहीं होंगे उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। मुझे अभी तक नहीं मालूम पड़ा, क्यों मैं कमाए मुझे तो आटा दाल खरीदनी नहीं पड़ती। अब वो मैंने उनसे बहुत कहा टेंशन नहीं करो, हर बच्चा जितना जितना उदय लेके आया, पॉइंट पकड़ो, उदय लेके आया उतना उतने से ज़्यादा नहीं होगा। चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नहीं होता, नहीं होता। तीर्थंकर का बेटा तीर्थंकर नहीं होता। अब तीर्थंकर भी टेंशन करे, हूँ तो तीर्थंकर छू, आनो सू थस है। पॉइंट पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये सब स्ट्रेस के कारण है, स्ट्रेस के। हम तो बढ़िया है, कई लोग ऐसे डायलॉग मारते हैं, पंडित जी हमने क्या दुख भोगे, हम नहीं चाहते अपना बच्चा भोगे। मैं कहता हूँ जिसका बच्चा दुख नहीं भोगता वो सबसे बड़ा ढोर। नहीं समझ में? क्या करूँ, मेरी वाणी सीधी अटैक कर जाती। क्यों? उसका कारण है, जो कंफर्ट जोन में रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। कभी कंफर्ट जोन में नहीं रखना बच्चों को। मजा तो है 3 साल का बच्चा चक्कू से काम कर सके, लेकिन 12 साल का बच्चा भी चक्कू को पकड़ना नहीं जानता। देख लेना घरों में, यदि बच्चा कोई काम करना चाहे, जैसे बहुत सिंपल सी बात है, मम्मी कपड़े धो रही है, धो रही तो आपने देखा 2 साल का बच्चा भी आएगा, वो एक रुमाल उठाएगा उसमें साबुन है, और अम्मा उसको फुल जोर से कांग्रेस का निशान बना हट। मैंने जितना गंदे तरीके से तिरस्कार करके उसको बोल सकती, भाग, हड्डी पसली तोड़ दूंगी। अब जैसे तैसे उसे एक आध साबुन लगा भी ली, अब उसको ये पता नहीं साबुन कितनी लगाई जाती, तो वो हो सकता है आधी टिकिया लगा दे। उसे तो झाग में मजा आता है, उसे थोड़ी कपड़ा धोने की प्रोसेस पता है। अब इतना देखने के बाद तो 5 रुपए की साबुन वसूल करने के लिए पूरी तगड़ी पिटाई करेंगे, इतनी जम के पिटाई करेंगे, तूने साबुन गला दी, तूने ऐसा कर दिया, मत जाना आज के बाद। ये मैं बता रहा हूँ आपको, स्ट्रेस का कारण बता रहा हूँ। चलो, यदि आप बच्चे को सिखाने की कोशिश नहीं करें तो बच्चे सबसे अच्छे विद्यार्थी होते हैं। यदि आपका बेटा अच्छा विद्यार्थी नहीं है, इसमें आपकी गलती है। हालांकि मुझे ये सब पढ़ाते नहीं पढ़ानी है, पेरेंटिंग आ गई बीच में, लेकिन सबको इसलिए प्रेम से कह रहा हूँ, हर घर में प्रॉब्लम है, हर बाप को प्रॉब्लम है, हर माँ को प्रॉब्लम है, इसलिए वो बीच में आ गई हुआ है। पेरेंटिंग नहीं आती, मैंने पेरेंटिंग पर लिखी है अभी 30-40 पेज, पढ़ लेना। मैं यही कह सकता हूँ और तो कुछ नहीं कह सकता। बच्चा दी बेस्ट स्टूडेंट होता वर्ल्ड का, वो तुम्हें जो डफर लगता है ना, डफर से डफर बच्चा भी सुपर होता है, लेकिन डफर हम बनाते हैं उसे। समझ गए क्यों कही वो बात, कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं निकालते उसे। बच्चे की डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए, सब्जी खरीदना सीखो बेटे। 4 साल का बच्चा हो, क्या खाओगे बेटे? देखो उसने कहा मम्मी भिंडी। बेटे भिंडी बासी है, अब उसके लिए नई बात हो गई है, बासी। बासी क्या होता है बेटा? इसकी देखो चमक नहीं है, देखो इसमें नाखून लगा के देखते थे कड़क होती है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं हो। बच्चा फिर भी जिद करे तो आप खरीद लीजिए उसे, 100 ग्राम खरीद लीजिए, उसी को खिलाइए बना के, बोलो टेस्ट कैसा लग रहा है मम्मी टेस्ट। यही तो बासी कहलाती बेटा, बासी को नहीं खाना चाहिए। जिंदगी में एक बार से दूसरी बार नहीं पढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको एक बार बता दूँ, चलो बीच में आ गई पेरेंटिंग की बात, सुनो सभी लोग, मैं पूरे हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली से सख्त नाराज हूँ। मेरे कॉलेज की पढ़ाई छोड़ाने, मैंने पढ़ाता था, मैं कॉलेज में पढ़ाता था, नौकरी छोड़ने का एकमात्र कारण, पैसा तो मैं बहुत कमा लेता, आज मैं बहुत कुछ कर लेता, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था वो। बच्चा केवल कमाना जानता है लेकिन हेल्थ के बारे में नहीं जानता, सब्जी खरीदना नहीं जानता। आप इन बच्चों से सब्जी मंगा के बताओ जो CA हो, CS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो इतने ढोर कहना चाहता हूँ लेकिन नहीं कह रहा हूँ, मैंने खाली स्थान छोड़ देता हूँ। कह तो दिया ही मैंने। मैंने ऐसे होते गाड़ी में बैठ रहे थे, 1 किलो बनाना, 1 किलो एप्पल। अब उन्हें पता है साहब ना तो यहाँ खोल के देखेंगे ना घर खोल के देखेंगे, उन्हें पता है। तो आधे सड़े रख देता है, आधे साबुत रखता है, अच्छे से तोल देता है, दे देता है। गाड़ी में पीछे रख देते हैं, पर एक बटन दबाते हैं यहाँ से, पीछे ही वो खुल जाता है कांच, उधर देता है 500 का नोट पकड़ाते हैं और थोड़े बहुत पैसे लौटा देता है। इन्हें गिनना नहीं, इन्हें हिसाब ही नहीं देखने। अब घर गए, नौकर ने उठाए वहाँ से, और नौकर ने क्या करा, खराब खराब हिस्सा निकाल दिया।
अच्छा अच्छा आपको दे दिया, आपको कभी पता भी नहीं लगा कि आधे से ज़्यादा सेब फल सड़े हुए थे, अनार सड़े हुए थे, 100-100 चीज़ ख़राब थी, आपको तो खबर भी नहीं पड़ी। ये बात मुझे कब पता लगी पता है, जब ऐसे सेठिया लोग मुझे फल ला के दे जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्यों ये फल आपने खरीदे, कि पंडित जी कोई दिक्कत है, मैंने देखो आओ दिखाता हूँ। अरे चीट किया उसने, उसने चीट नहीं किया, आपने उसको चीट करने का अवसर दिया है। बोलो बच्चे लोग नहीं करते ऐसा, मोटरसाइकिल से गए वहीं बैठे बैठे उतर भी नहीं पा रहे, वो वहीं से ऑर्डर कर दिया दे दो छठे। मेरा मतलब ये नहीं है केवल सब्जी के मामले में, कपड़ा खरीदना नहीं आता, छोटी छोटी चीज़ नहीं आती, और इसीलिए 25 पैसे का पानी 12 रुपए में पी रही है ये नई जनरेशन, और फिर कहती है स्ट्रेस हो रहा है। अब थोड़े बहुत समझ लेना, मैंने बहुत कुछ कह दिया, कंफर्ट जोन में मत रखो। हर बच्चे को 3-4 साल की उम्र से गर्मी सहना आनी चाहिए, काम करना आना चाहिए, झाड़ू पोंछा आना चाहिए। मैंने एक दिन भी बाजार में नहीं खाया, एक दिन भी पानी नहीं पिया बाजार का जिंदगी में। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को पूरा काम सिखाया, एक एक काम सिखाया A to Z। मैं एक गाँव में गया ठंड के दिनों में, अभी समय सिगर जी जाते सभी गाँव में गए, तो वो मुझे ठंड के दिन होते तो गुड़ के लड्डू बनाते हैं, गुड़ के लड्डू में क्या डालते हैं वो सब ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, तो उन्होंने मेरे को दिखाया पंडित जी एक लड्डू आपको परस देते हैं, तो मैंने देखते से कहे रिजेक्ट नहीं चाहिए, मौन था तो मैंने मन कर नहीं नहीं चाहिए, अरे ठंडों में तो अच्छा रहता अच्छा रहता अच्छा रहता, नहीं लिया। फिर बोले आपने क्यों नहीं लिए, तो ठंडों में तो अच्छा रहता गुड़ का लड्डू ड्राई फ्रूट वाला, मैंने कहा आपको बनाने नहीं आता। अब वो महिला 60 साल की थी, अब वो एकदम मिल के सॉफ्ट हो गई एकदम, अरे कैसे बनाया जाता है, फिर मैंने उन्हें बताया कैसे बनाया जाता है। मैंने एक गजब बात है, अब वो पेरेंटिंग में चली जाएगी सारी ये बात, जो लोग सीधे ड्राई फ्रूट खाते हो मत खाया कर, ऐसे नहीं खाया जाता, और मिक्सी में पीस करके ठंडा ही मत बना लेना भूल के, मिक्सी में ठंडाई कभी नहीं बढ़ती है, ठंडाई बढ़ती है देर से, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपने देखा कभी मिक्सी में बना के देखी ठंडाई, पानी पानी नीचे ऊपर ऊपर मटेरियल, और कुछ भारी होता है वो नीचे बैठ जाता है, आपको लग रहा है ठंडाई है, ऐसे नहीं बनती। एक दृष्टांत दिया मैंने, मेरा मतलब है कंफर्ट जोन से बाहर निकला, इसलिए समझ में आ गया। बच्चों को मेहनत आनी चाहिए, पसीना बहाना आना चाहिए, काम करना आना चाहिए, दिमाग तब काम करता है जब आप काम करते हो। ये मैंने सब लोगों को समझा दिया, मेरे पास अलग अलग बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, हमारे बच्चे बड़े परेशान करते हैं, बच्चे परेशान नहीं करते, तुम बच्चों को परेशान करते हो। नहीं समझा? थोड़े में बहुत समझना, मुझे तो जो बताना ये कोलाहल है, कोलाहल अकेले में बैठ के देखो तो ये कोलाहल हैरान करता है। देखो फिर समझो अच्छी तरह, फिर समझो अच्छी तरह से, मेरे प्रवचन अभी भी मैं जानता हूँ इतना बड़ा जो पोर्शन निकल गया ना 15-20 मिनट का, इसमें निश्चित रूप से बहुत विद्वान नाराज होंगे। देखो कौन सी गाथा चल रही थी, कौन सा कलश चल रहा था, और कहाँ पर कहाँ चले गए, सब नाराज होंगे मुझे पक्का पता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ मैं इससे बाहर नहीं गया, सुनो आप उस भूमिका में नहीं हो कि बेटा बेटी हैरान करें, शरीर हैरान हो, बीमारी हो, और आप शांति से गायक देखते रहो। जरा तकलीफ होगी, हेडेक होगा, अब भी देखो आप गाय के एक तरफ हो जाएगा, रात भर नींद नहीं आए ना, 2-3 रात नींद नहीं आए, वो बढ़ जाए साइनस, तकलीफ हो जाए आपको, सांस लेते नहीं बन रही हो, आप कितने भी बढ़िया होगे ना तब कह दो किसी तरह नींद आ जाए, किसी तरह नींद आ जाए, तो झट पेन किलर दे देगा, जरा झट वो क्या कहलाता है नान नींद की गोली, झट नींद की गोली दे देगा, और फिर आपको रिलीफ लग रहा है, रिलीफ, और धीरे धीरे आप उसी दिशा में चले जाओगे, सारा क्या है कि एक तरफ हो जाएगा आपका। मैंने फिर से सुन लो, आप वेद विज्ञान मेंटल गेम नहीं है, सुव्यवस्थित विचारधारा है, सर्वांगीण विचारधारा है, बहुत अच्छी भाषा में कहूँ तो चारों अनुयोग मिक्स है उसमें, मिक्स नहीं है, मिक्स कहना अच्छा नहीं लगता, समुचित पालन है उसमें, वेद विज्ञान ऐसे ही नहीं हो जाता।
भेद विज्ञान फिर से कहता हूँ मेंटल गेम नहीं है, वोकल गेम नहीं है, चारों अनियोग का सुमेल है उसमें सुंदर सा। बराबर है, सभी लोग समझ गए? अब तो कोलाहल समझ आ गया सबको, थोड़ा 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 बताया। आप कोलाहल में नहीं, इसीलिए लिखा भी है चरणानी होगी, बुद्धिपूर्वक सारी व्यवस्थाएं सेट करके सामायिक कर। आप में इतनी ताकत नहीं है अभी कोलाहल में बैठने की, लेकिन कोलाहल खड़ा कहाँ से हुआ बताओ? मेरी माँ को तो कोई कोलाहल नहीं है, आपको विश्वास हो सकता है? मैंने आज तक मम्मी को फोन नहीं लगाया, पिताजी को फोन नहीं लगाया, आज तक। मैंने जिस दिन मैं घर से निकला था ना पहली बार, उस दिन एक ही बात कही थी, आज से पहली बार मतलब निकला था नौकरी छोड़ी वो नहीं, उससे पहले जब मैं नौकरी भी स्टार्ट की थी मैंने, उस समय कहा था घर में जिस दिन मैं परेशान होऊंगा उस दिन फ़ोन करूँ मैं, यदि मैं परेशान फ़ोन नहीं कर रहा हूँ मतलब समझना मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे आज तक काम ही नहीं पड़ा कहने का, कोई परेशानी का कोई कारण ही नहीं पड़ा। अब समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब अभी मम्मी पापा इतने हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर आधा घंटा में रेलगाड़ी में इतने फ़ोन बजते हैं, आउटर पे खड़ी कहाँ हो? अब मैं कहाँ हूँ, गाड़ी जाए वहाँ हूँ कितने फ़ोन बजते नहीं आप ही नहीं देखे आउटर पे? दिल्ली बॉम्बे ऐसे बड़े बड़े जंक्शन हैं, यहाँ कोई भी ट्रेन सीधे नहीं आ सकती, आउटर पे रहना ही पड़ता है उसका, स्लो मोशन में चलती है। अब यहाँ जो खड़े रहते हैं ना उनके पास, बेचारों के पास ना तो तत्व चर्चा है, ना भेद विज्ञान, ना स्वाध्याय, और ना दो आदमी बात करते हैं, हर आदमी को रेलवे स्टेशन। समझ गए? इतना गंदा दृश्य लगता है, पता नहीं आदमी आदमी को आदमी पने कब देखेगा, आत्मा तो गायब थोड़े में बहुत समझा रहे, समझ गए? एक ऐसा कौन सा बोल है कि नौ कर्म संबंधी बोल है ये जो इतना पढ़ा है ना, नौ कर्म संबंधी बोल है ये, तेरा कोलाहल तुझे ग्राहक नहीं देखने देता। अब मैं फिर से कहूँ, अब मैं कहूँ मोबाइल छोड़ दे, सम्यक दर्शन छोड़ सकता हूँ पंडित जी, मोबाइल नहीं छोड़ सकता दर्शन मोह पकड़ में है, दर्शन मोह, ये दर्शन मोह है। अब सुनो ध्यान से, मैं तुमसे मोबाइल छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोबाइल के सामने भगवान आत्मा बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं छूटे तो भले ही ना छूटे, लेकिन मोबाइल की कोई औकात नहीं है, नो वैल्यू, इतना तो तुझे लगना चाहिए। इस भगवान आत्मा के सामने क्या दम है इसकी, समझ में आया कि नहीं आया? मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज इंटरनेट पर मोबाइल की बुराइयाँ वो कर रहे हैं सारे सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, चाइना वगैरह में तो बड़ी बड़ी वो खुल गई डिस्पेंसरी, क्लिनिक, क्या कहना चाहिए, ब्रेन वॉश सेंटर, बच्चे स्ट्रेस में डूबे हुए हैं, वहाँ जाना पड़ रहा है। मेरे बच्चे को वो खेलता रहता है, क्या कहलाता है आजकल, कौन कौन गेम खेलते रहते हैं अब, हाँ पबजी क्या है जैसे, और भी कोई गेम हो गई, अभी बच्चे मरने तैयार हैं, गजब देखो मरने तैयार, बोले खेलना नहीं छोड़ पा रहा। सेंटर हैं बड़े बड़े, मैंने इस बात को तो मिथ्या दृष्टि भी समझा रहे हैं, मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ, बल्कि मेरे से पूछोगे ना तो मैं तुम्हें एक बहुत काम की बात कहूँगा, कहूँ क्या काम की बात? बे लोग कह रहे मोबाइल छोड़ो, और मैं कहता हूँ बेटा इतने मर्द बनो कि मोबाइल का सदुपयोग करो, चारित्र मोह नहीं छुड़ा रहा हूँ मैं, अभी दर्शक मोह छुड़ा रहा हूँ। आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि मोबाइल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, फालतू टाइम पास नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कुछ नहीं है उसमें, आप 10 बार देख लो दिन भर में, बस थोड़ी दो चार खबर बदल जाती है, वेगी वेगी कोई खबर, कुछ खबर ही नहीं है, कोई दम ही नहीं उन खबरों में, लेकिन टाइम पास सुना उतनी देर स्वाध्याय कर। हम तो कह रहे कोई जीत दिखाई दे तो उसे देख के करुणा प्रकट करो, सोचो आज अपन कितने अच्छे हैं। अभी ये बता रहे थे आज, कौन का बता रहे थे, संभाजी या किसका, संभाजी का, कि अंग्रेज औरंगजेब ने पकड़ने के बाद इतना तड़फा तड़फा के मारा है, इतना तड़फा तड़फा के कि उन्हें नग्न करके सड़क पे निकाल के और लोगों से कहा इनके मुंह में यूरिन करो,
या तो मुसलमान धर्म अपनाओ और नहीं तो यस ये तो इतना कर करके तड़फा तड़फा के मारा है भयंकर। ये बच्चे बता रहे थे उनके बारे में, शिवाजी के बेटे थे पोत्र थे बेटे थे संभाजी, यहाँ रोम रोम ऐसा लगे बाप रे। सेना में जो अरेस्ट हो जाती है ना फिर इनकी दुर्दशा देखो, यहाँ से आतंकवादी ले जाती है ना उसके बाद इनकी दुर्दशा देखो। सुनो अपन कितना पुण्य का हो जाए आज, आजीविका की प्रॉब्लम, तुम बेहद का कोलाहल क्यों कर रहे हो ये कहना है। आज आप जितने चैन से बैठे ना आपके घर में कमाई की कमी नहीं, खाने की कमी नहीं, प्रेम है, पैसा है, सब कुछ है। सुनो अब एक काम करो, सच कह रहे हैं अनंत जन्मों का पुण्य होगा, आज आपको कमाई की प्रॉब्लम नहीं है, समाज कोई आतंकवाद का डर नहीं है, तुम्हें समाज शरीर का डर कुछ बीमारी नहीं है, एक ही काम करने लायक मैं भगवान बनूं बस। इसलिए आचार्य कहते विराम अपरेण अकार्य 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 कोलाहल किम, कोलाहल समझिए अच्छे खासा भगवान मानने के स्थान पर, भगवान जानने के स्थान पर मैं करोड़पति हूँ, तो करोड़पति कह दे बुरा नहीं है, अरबपति बोल दे बुरा नहीं है, लेकिन भगवान बहुत बड़ा था है। इतिहास समझ में आ गई सबको, आगे समझ में बोलो। अब मैं एक दृष्टांत दे देता हूँ, सरल पड़ जाए दृष्टांत, दो तीन दृष्टांत देने की कोशिश करता हूँ, आप पकड़ना सम्यक दर्शन कैसे होता है। इसी कोलाहल के बीच में मैं आठ विकल्प छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आठ के कोलाहल में भगवान आत्मा को दबाओ मत, तुम भगवान हो और हो बराबर। पहले बहुत दृष्टांत दे चुका हूँ मैं आपको, अभी सरल दृष्टांत देता हूँ, सुनो ध्यान से। कोलाहल कैसा हो रहा देखो, एक बच्चा ध्यान से सुनना सरल दृष्टांत, नाराज तो नहीं हो, नाराज नहीं होना ना, ये संकेत है, संकेत है ना, ये संकेत बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा प्यारा है, तो इसको इसके स्कूल में बोला कि तेरे को नाटक में भाग लेना है, नाटक में, लेकिन तेरे को सीता का रोल करना है, दृष्टांत है, इसलिए मैंने तेरे से पहले पूछ लिया अब इसको सीता का रोल करना है, तो इसने मूछे मूछे साफ कर ली ऐसे, और ये इतना सुंदर सीता लग रहा था, बहुत सुंदर ऐसे ऐसे बिल्कुल ड्रेस अप है ना पूरा डायलॉग। अब डायलॉग कैसे बोलेगा, हे स्वामी मैं आपकी चरणों की दासी हूँ, ऐसे मतलब जो सीता बोलेगी ऐसे बोलना पड़ेगा। तो ये पूरे रोल करते करते ये संकेत बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, देखो इसका यहाँ टिकी लगी है, यहाँ है, यहाँ है, और वो साथ वो राम सीता का विवाह हो रहा है, मिलाप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, फोटो खींच रहे हैं, लाइव रिले हो रहा है, ऐसे बहुत कुछ हो रहा है। तो संकेत फिर सीता बन जाएगा, कितना परसेंट सीता हो जाएगा, ऐसे कैसे बोलना तेरा सीता जैसा, कपड़े तेरे सीता जैसे, ऑर्नामेंट तेरे सीता जैसे, तो फिर कैसा हो जाएगा तू बोलो। अभी चलो कुछ बात नहीं, तेरे को कोई तकलीफ सीता बनने में, नो प्रॉब्लम पक्का ठीक। अभी नाटक ड्रामा पूरा हो गया, पूरा हो गया। अगले दिन जब स्कूल निकलना था कहीं भी जा रहा था तो बच्चों ने देख लिया सीता सीता सीता, तो ऐसे सुनकर तुझे गुस्सा आएगा या मुस्कुराएगा बोलो भाई है? नहीं, ये बड़ा खुश होगा, क्या रोल था, क्या एक्टिंग थी, लोगों को अभी तक मुझे देखकर वो रोल याद आ रहा है, लेकिन मैं तो 1% भी सीता नहीं। अच्छा कुछ बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं वो भी इसे चिढ़ा थोड़ी रहे, वो इसे हैरान थोड़ी कर रहे, वो उन्हें वो कल का रोल याद आ रहा है, कितनी बढ़िया एक्टिंग की थी, सारी सभा रो दी, एक संकेत नहीं रोया बाकी सब रोए एक्टिंग होती है ना एक्टिंग, वो संकेत थोड़ी रोएगा क्योंकि उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, किडनैप थोड़ी हुआ सीता का, नहीं सीता का किडनैप हुआ, संकेत का थोड़ी हुआ बोला। तो वो बिल्कुल ऊपर से इतनी बढ़िया एक्टिंग करी कि सारी सभा रो दी, लेकिन ये नहीं रोया। अभी मुझे फिर से पूछना है तेरे को, अब सीता से वापस संकेत बनने के लिए क्या क्या करना है ना, कुछ नहीं। अब जितना इजी गोइंग इसको भेद विज्ञान करते समय चल रहा था, करते समय और करने के बाद भी चल रहा है, इसे कोई बर्डन है, इसको तकलीफ है, क्यों चिढ़ा रहे हैं इनको, क्यों बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है 10 साल बाद भी इसके टीचर मिलें,
ये 25 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, और इसकी टीचर और सीता, तो इसको मजा आएगा। सर को अभी तक याद है कितने लोगों ने एक्टिंग की होगी इन वर्षों में, कितने लोगों ने नाटक खेला होगा। सर आपको अभी भी याद है, मैंने इसको बुरा नहीं लग रहा, समझ में आया। अब हम आपसे बोल रहे, आप करोड़पति का स्वांग कर रहे हो, आप मनुष्य का स्वांग कर रहे हो, आप स्त्री का स्वांग कर रहे हो, आप जो कुछ कर रहे हो क्रोध का भी स्वांग कर रहे हो, अंदर में तो भगवान 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 त्रिकाली भगवान ज्ञाय ज्ञाय ज्ञाय, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। बस एक दृष्टांत में सारा काम हो गया। लोग मुझे इधर से बोलते हैं, लेकिन मैं तो संकेत ही हूं। ये श्रद्धा पक्की है कि कच्ची है? ये जो कॉन्फिडेंस है ये 50% की 100 बराबर। तेरे को मेडिटेशन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। 4 घंटे के रोल में मैं सीता बन गया, ऐसा सोचना पड़ेगा। इसको मैं कहना चाहूँ, कोई कोलाहल नहीं। नाटक करते समय भी कोलाहल नहीं, नाटक करने के बाद भी कोलाहल नहीं। इसका नाम है दर्शन मोहि का अभाव। पहले नंबर नकीकर में भगवान हूँ। निर्णय होते ही निर्णय होते ही निर्णय होते ही नो बर्डन। अब थोड़ा सा मैं और आगे बोलता हूँ, बोलू? नींद आ रही है आपको? बोलू अच्छे से? बोलू कि हाँ बोलू? बोलू बेटे? सर ठीक है, जिसने कह दिया इसलिए बोलता हूँ, आप लोग तो बोलते ही नहीं हो। सर ठीक है, रेडी? जरा ध्यान से सुनना। देखो मैं ध्यान से सुनना, मैं स्वांग का कर्ता मानू ना, अपने कर्ता, तो मेरे अंदर में एक मायाचारी आएगी, ये काम अभी मत करो, लोग देखेंगे, लोग क्या कहेंगे, छिपके करो। तो जैसे जैसे मैं स्वांग का कर्ता बनूंगा ना, तो मायाचारी आएगी। याद रहेगी ये बात? ये बात याद रहेगी? अभी मैं घटा के बताता हूँ। आप कल्पना कर सकते हो, आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व की उम्र में भी नृत्य देख रहे थे, दीक्षा नहीं ली, नृत्य देख रहे थे। बोलो आज की तारीख कोई 83 साल का पुरुष 84 साल की एज हुए और 83 का पुरुष और उसके नाती पोते हों, उनकी बहुएं हों, बोलो उनके सामने एक नृत्य देख सकते हो? देख सकते हो? अपने को छिपाना पड़ेगा, छिपके देखेंगे, नाना प्रकार की बातें सोचनी पड़ेंगी। सुनो अब मैं बोलूँ इसकी भाषा, इसकी कौन जाने, ज्ञानी देखते हुए भी नहीं देखते। तुम्हें लग रहा है वहाँ परिस्थिति का नृत्य चल रहा है, नीलांजना का नृत्य चल रहा है, लेकिन आदिनाथ भगवान ने एक दिन भी देखा ही नहीं। ऐसा थोड़ी पंडित जी, क्या वो ऐसे बैठे थे? ऐसे कि नहीं, ऐसे नहीं बैठे थे। सुन रहे, ध्यान से सुन रहे हो? कर्म के उदय का गेम स्वांग था। ऐसा भी होता, अच्छा नृत्य हो तो हार निकाल के दे देते हैं, ऐसा भी होता है, जरूरत पड़ जाए तो ताली भी बजाते हैं, लेकिन सुनो ये सब कर्म का स्वांग है। आदिनाथ भगवान तो स्थिर त्रिकाली ज्ञाय 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 ज्ञाय, उसमें दृष्टि आपकी, उसका ही निर्णय निर्णय वो निर्णय निर्णय समझ गया? निर्णय निर्णय समझे कि नहीं समझे? इसके बल पर भेद विज्ञान सहज हो जाता है। आप लोग निर्णय करो, विचार नहीं करो, आप ज्ञाय का विचार करते हो, निर्णय नहीं करते। नहीं समझ में आ रहा किसी को? नहीं समझ में आया? चलो अब और दूसरा दृष्टांत देता हूँ। कौन से पूछूं? बोलो भाई कौन से पूछ? हेतल तेरे से पूछ लो, डरेगा तो नहीं, खराब है इसलिए पूछ रहा। अच्छा तुम मेरे निकट हो इसलिए पूछ सकता हूँ, डरना नहीं हो। तुम अपनी पत्नी को कभी मम्मी बोलते हो? नहीं बोलते? अरे डर मत, बोल। हाँ बोलते हैं जी, आप भी बोलते हो? जा मम्मी को बोला। नहीं बोलते? अब आप अपनी पत्नी को कभी मम्मी बोलते हो, कभी मामी भी बोलते हो? भानेज आया हो, भांजा आया, जा बेटा मामी को बुला। तो आप अपनी पत्नी को कितने नाम से बुलाते हो? बोलो। मामी बोल देते हो, और क्या क्या बोल देते हो, मासी बोल देते हो, कोई भांजा आया तो मासी बोल देते हो, कितने कितने नाम बोलते हो? बोलो। तो एक पत्नी को आप कितने नामों से ट्रीट करते हो? इसके बावजूद श्रद्धा की एक धारा कॉन्स्टेंट चल रही है, वो निर्णय की धारा है, वो जिस दिन सगाई शादी हुई थी ना
वो उसी दिन से लाइन चल रही, कॉन्स्टेंट द्रव सम्यक दर्शन की धारा चल रही है, अखंड पने चल रही है। सुना उधर से वो भी कहती है तुमको हस्बैंड ही नहीं कहती, हमेशा पति नहीं कहती, जब पापा को बोला, मामा को बोल, फला को बोल, तो एक बार नक्की कर, चुटकुला आया, एक बार चुटकुला आया जैसे कि एक बच्चा मम्मी ने मारा हो तो कम इसके नीचे छिप गया, वो रोते रोते छिप गया, तो पापा घर आए तो उन्होंने पूछा अपनी पत्नी, बच्चा कहाँ है, बोले वो रोते रोते इसके नीचे छिप गया है, तो आप मना लो उसको, आप मना लो। तो वो भी उसी स्टाइल से, बच्चों की स्टाइल से उसके नीचे झुक के कहता है, तेरे को मम्मी ने मारा, वो कहता है पापा तुम भी इधर ही आ जाओ। मम्मी बहुत खराब है, पापा उसको ऐसे बोल रहे, पापा मम्मी बहुत खराब है, मैंने तेरे को मारा ना, तो अब तुमने क्या बोला, मम्मी बहुत खराब, पापा मेरी भी मम्मी और तुम्हारी भी मम्मी। हालांकि समझदार बच्चे ऐसा नहीं बोलते कभी, सब समझते हैं इस नए को, मुझे कुछ कहना है, आप कुछ भी बोलो लेकिन निर्णय की धारा अखंड चलती है। मैं फिर कहता हूँ, आप विचार मत करो मैं ज्ञायक हूँ, आप निर्णय करो, निर्णय समझ में आया, फिर काय का निर्णय करना है बोलो, ये कर्म के उदय की लीला है, उसको ज्ञानी के जीवन में भी होती है और अज्ञानी के जीवन में भी वो होती है। मिथ्या दृष्टि क्यों कहलाता है, वो कर्ता मानता है और सम्यक दृष्टि कर्ता, बस इतने से भी काम हो गया। अब ये 8 प्रकार के कोलाहल खत्म, कोलाहल चलते रहेंगे लेकिन तुम्हारे में कोलाहल में ज्ञायक नहीं दबेगा, बराबर है। चलो अब तो आगे चलिए, अब अपन थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, हालांकि बहुत टाइम चला गया मेरा, लेकिन दर्शन मोह चारित मोह क्लियर हो गया आपको, नहीं हुआ तो पूछ लेना, और दृष्टांत दूंगा आपको। अब 5वां नंबर देखो, इसमें पिछला पेज है 100 नंबर का पेज, अब मैं फास्ट ले लूँ इसको ताकि कल नई गाथा ले लूँ सुबह, बराबर। देखो 5वां नंबर, अब थोड़ा उपयोग बदलना, पढ़ो, समस्त जगत को पुण्य पाप रूप से व्याप्त करता हुआ कर्म विपाक भी जीव नहीं है, क्योंकि स्वासुभ भाव से अन्य पृथक चैतन्य स्वभाव रूप जीव, चैतन्य कब रहता है जीव, कभी कभी, पक्का कौन का, पापी का, क्रोधी का, आपका, अरे बोलो ने, पक्का हो गया समय से, इतना ही तो काम था, वो करना क्या है, मैंने एक दृष्टांत दिया था आपको याद हो कि नहीं हो, मैंने कहा था ना कि एक बार भगवान की वाणी, भगवान ने कहा ना, भगवान ने कही है भाई, तो उनकी बात को आगे रख के सोचो, मेरी फीलिंग गलत हो सकती है लेकिन भगवान गलत नहीं कह रहे, इधर से रख के तो सोचो, तुम्हें लगता है मैं क्रोधी हूँ लेकिन भगवान तो कह रहे तो चेतन स्वरूप है, चल छोड़ क्रोध बात, अपनी क्रोध की फीलिंग गलत होगी, इधर चेतन स्वरूप को रख करके सोचो, ऐसे 6 महीना साधना करो, हम तो पापी, चुप इधर से मत बोल, पुण्य पाप का उदय, सुख दुख का वेदन, हर्ष विषाद का वेदन, सुबह शुभ भाव, इधर से मत सोच, इधर से सोच, क्या क्या सोचो, सोचो देखो क्या लिखा है, चैतन्य स्वभाव रूप जीव वेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, स्वयं का मतलब समझते हो, ऑटोमेटिक उपलब्धमान है, ए स्वयं मतलब ऐसा नहीं लिखा है, ज्ञानियों ने बहुत मेहनत करके इसे भिन्न देखा, ये नहीं लिख रहे, ज्ञानियों ने बड़ी मेहनत करके रिपेयरिंग करी, सुधार करा, रिफॉर्म किया, प्योरिफिकेशन किया, ऐसा नहीं लिखा, क्या लिखा है, ज्ञानियों ने जैसे ही भेद विज्ञान किया, भेद विज्ञान किया मैंने राग और ज्ञान को भिन्न भिन्न देखा, राग कैसा है, लीला, कर्मिक उदय की लीला, पुद्गल की लीला, पुद्गल के निमित्त से होने वाली, और जानने वाला, तो जानने वाला सदाकाल है कि नहीं है, तो जैसे ही ज्ञान भेद विज्ञान किया तो स्वयं उपलब्धमान हो गया, नहीं समझ में आया, जैसे ही हमने दूध को
क्या करते हो, ओंटते हैं ना, ओंटना समझते हो, गर्म करना, उबालना, और गाढ़ा करते चले, गाढ़ा करते चले, बाद में स्वयं में घी निकल आया कि निकालना पड़ा, घी निकालना पड़ता है क्या, कि स्वयं ही घी निकल आया। ऐसे ही भेद विज्ञान करने पर स्वयं ही उपलब्धमान है। कौन? फिर से कर्म विपाक। अब कर्म विपाक समझते हो, कर्म का फल, कर्म का उदय। कर्म विपाक माने कर्म का उदय। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग। बहुत ये जो पर्दा है ना, पर्दा, इसमें पर्दा का क्या रोल है? इसमें बड़े अक्षर दिखाओ, छोटे अक्षर दिखाओ, या चित्र दिखा सकते हो, या पिक्चर दिखा सकते हो, जो जो दिखाना चाहो, बहुत चेंजेज आ सकते हैं इस पर। तो इसमें पर्दे का क्या रोल है? बोलो, जल्दी बोलो। अब जो कुछ होना है वो उधर होना है, जिक कर्म। अब इस कर्म के विपाक में आप पिक्चर बदल दो, जो जो बदलना है बदल, तो वही चीज दिखने लगेगी इधर। सही बताओगे आप लोग? आपने पिक्चर देखी होगी टॉकीज में कभी, या उसमें देखी होगी टेलीविजन में, तो आपको ईमानदारी से बताना, कोई ना कोई दृश्य याद होगा। तो अमुक टॉकीज में देखा था, तो वो पर्दे वाला, वो जिस कमरे में बैठे थे, हॉल में बैठे थे, वो दृश्य याद होगा आपको, है ना? लेकिन तुम्हें कभी लगता है उस हॉल में आज तक पिक्चर हुई नहीं, उसमें अमिताभ बच्चन का खून कभी? क्यों, तुमने अमिताभ बच्चन का मर्डर देखा किसी पिक्चर में? अरे बोलो ना, किसी थिएटर में मर्डर देखा है? अरे बोलो ना, तुमने टेलीविजन में किसी का मर्डर देखा है? बोलो, नहीं देखा, कभी नहीं देखा, मर्डर नहीं देखा, नहीं देखा। अब अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे समझदार लोग, क्या बोलेंगे? वो तो जैसा रिले होता है ना, वैसा दिखता है। हमारे टेलीविजन में कुछ नहीं होता, इस पर्दे पर कुछ नहीं होता, जो कुछ होना है इधर से हो रहा है अब। लेकिन बहुत कम लोगों को इधर दिखाई देता है, और इधर भी कुछ नहीं होता, उधर कुछ होता है, उधर से कुछ होता है, इधर से आ जाता है। क्या गजब है! आगे समझ में आया आपको? भाव कर, द्रव कर, नौ कर, और इसके अंदर पर्दा भाव कर, भगवान आत्मा जी बेचारा निर्दोष। ऐसे ही चैतन्य भाव, ज्ञान स्वभाव, भगवान आत्मा हम सबका पर्दा निर्दोष है, लेकिन सब कुछ दिखता इस पर है। तो आपको ऐसा लगता है, फिर से बोलो, कर्म का विपाक। पाप के उदय में कैसे भाव होते हैं? असाधा के उदय में कैसा लगता है? अब जो तुम्हें लगता है ना, तुम उसे सच्चा मान लेते हो। सुनो, पर्दे के ऊपर कुछ भी हुआ, सरल दृष्टांत देता हूँ, चलो बोलो भाई, यह कितना आग का दृश्य दिखाएं कि ये पर्दा जल जाए, जल्दी बोलो, बोलो जल्दी, कितना रेड कलर या ब्लैक कलर दिखाएं इसके ऊपर, कितने दिन तक दिखाएं, बोलो कंटिन्यू, कि ये थोड़ा सा ब्लैक हो जाए, पक्का देख लोगे अपने भेद विज्ञान करके, आप सामयिक करो, सम्यक दर्शन करने के लिए बैठो। तो पर्दे की तरह मैं तो क्या, एक निर्मल हूँ। जैसा जैसा कर्म के उदय की लाइट आती है, वैसा हर्ष होता है, विषाद होता है, राग होता है, द्वेष होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मैं तो सिद्ध के समान निर्दोष ज्ञाता ही हूँ। एक पिक्चर बंद नहीं होगी अभी, लेकिन तुम्हें जो आनंद आ गया इस गायक का, ये दर्शन मुँह मिट गया, बराबर है। चलो अब अगला, चलो साता साता रूप से, ये सरल है, ये भी पढ़ लेना। अब श्रीखंड की भांति, अगला श्रीखंड की भांति, सातवां नंबर, उभयात्मक रूप से मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों मिलकर भी जीव नहीं है। ये जॉइंट है ना, जॉइंट आसमान जाति द्रव पर्याय लिखा है शास्त्रों में। तुम कितने इंद्रिय जीव हो बेटे? हाँ, पांच इंद्रिय जीव। तुम कितने इंद्रिय जीव हो? पांच। तुम पांच, तुम पांच, तुम पंडित जी हम क्या कर रहे हैं? भाई पाठशाला में पढ़ाया है, मैं पंचेंद्री हूँ, चिंटी तीन इंद्री है, पहाड़ एक इंद्री है, हमें क्या मालूम, लिखा है वहाँ। अब देखो शास्त्र में लिखी है सब बात, शास्त्र में लिखी है तुम पंचेंद्री हो, और यहाँ क्या लिख रहे हैं पढ़ो, कर्म और जीव की जॉइंट सरकार, जीव नहीं है।
99% ग्रंथों में इधर ये जो 8 प्रकार के बोल है ना, बोल ये 8 बोल ये आगम में लिखे हैं, और यहाँ कह रहे हैं वो जीव नहीं है, वो जीव नहीं है। तो मैंने सुबह पढ़ा दिया ये आगम और अध्यात्म, सुबह पढ़ा दिया आगम और अध्यात्म, वो उसको सुबह ही सुन लेना है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। आगे चलो तो क्या लिख रहे हैं, देखो श्रीखंड की भांति। श्रीखंड समझते, श्रीखंड खाया है, श्रीखंड खाया कभी दिन, श्रीखंड खाया कभी किसी दिन खाया है, खाया है कि शक्कर और दही खाया है। अब शक्कर और दही खाते हैं और बोलते हैं श्रीखंड, तो मैं पूछता हूँ शक्कर दही बन जाता है कि दही शक्कर बन जाती है, बोलो बोलो हीरो, शक्कर दही बन जाता है कि दही शक्कर बन जाती है, बोलो। हाँ दही दही रहता है और शक्कर, लेकिन डॉट 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 का मतलब ढोर। मैं नहीं बोलता, इसमें लिखा है जो दो को एक मान के खाता है उसको ढोर लिखा है, पशु दो का एक स्वाद मानता है, कहीं लिखा है किसी को पता है, हाथी घास को और लड्डू को भेल सेल करी ने खाए छे, ने एक स्वाद माने छे। आज जो घास आई न जाने कहाँ का प्रोडक्ट है, बहुत टेस्टी छे। तो घास घास टेस्टी है कि लड्डू टेस्टी है उसमें, आगे समझ रहे हैं। ऐसे श्रीखंड का जैसे अनुभव झूठा है, ऐसे ही मैं मनुष्य हूँ, जीव और शरीर मिलाकर के दो, कर्म और शरीर मिलाकर दो, आत्मा मिलाकर, कर्म और आत्मा मिलाकर दोनों मिलकर, दोनों मिलाकर जो स्वाद है ना वो नहीं है। तो क्या लिखा है देखो, क्योंकि संपूर्ण कर्मों से भिन्न अन्न चेतन स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धिमान है। क्यों? क्योंकि 8 कर्म से रही सिद्धालय में है ना जीव, सुनो वो जीव है। एक बहुत सुंदर परिभाषा बोलूं आपको छोटी सी, किसे जीव कहें कि जिसमें कभी कोई घटोत्री ना हो और कोई बढ़ोतरी नहीं हो, उसका नाम जीव। बोलो भाई, नहीं घटता नहीं, नहीं इसके पहले की नहीं, नहीं जन्म नहीं मरता नहीं घटता नहीं बढ़ता अगुरु लघुरूप ध्रुव ज्ञायक सहज जीवन हमारा। अब समय हो गया इसलिए अर्थ नहीं कर रहा हूँ, अंतिम पढ़ लूँ आप कहो तो शॉर्ट में बोल दूँ, बहुत जल्दी पढ़ना है मुझे इसलिए, क्योंकि 8वां नंबर देखो आधी लाइन छोड़ दी मैंने, पढ़ लेना बाद में, क्यों से समझाने में टाइम लगे। क्योंकि 8 लकड़ियों के संयोग से बनी पलंग, 8 कर्म का जोड़ बना दिया तो पलंग बन गया, पलंग समझते हो। 8 लकड़ी कैसे लगती है पता है, 4 हैंड 4 लेग और 4 ऐसे है ना, ऐसे 8 हो गए, 8 लकड़ियों के समूह का नाम पलंग है, ऐसे 8 कर्म मिल गए तो जीव बन गए, ऐसा दृष्टान दिया तो उसका निषेध करती है। क्या कह रहे हैं देखो, परंतु संयोग से बने पलंग से भिन्न पलंग पर सोने वाले पुरुष की भांति 8 कर्म से मिला हुआ शरीर बना और इस पर भगवान आत्मा भिन्न सो रहा है, भिन्न जान रहा है, ऐसे भिन्न पलंग पर सोने वाले पुरुष की भांति कर्म संयोग से भिन्न अन्य चेतन स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही भेद विज्ञानियों को उपलब्धिमान होने से जीव नहीं है। अब इसकी चर्चा अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन अगली दो गाथाएं पढ़ाऊंगा कल सुबह। और अभी एक बात बता दूं आपको, अभी मैंने प्रवचन में कुछ नहीं कहा, अभी 8 प्रसंग कभी नहीं छूटेंगे, अभी छूटेंगे नहीं, मैं इनकी चर्चा की घोटाई अभी और करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं करना है, आचार्य देव खुद करने वाली है, तो इसकी चर्चा अभी और उठाऊंगा। नहीं समझ में आएगा, आपको मेहनत करनी है, होमवर्क करना है आपको, बराबर है। ओम नमः शिवाय। चलिए।